तो गाइस ये देखो, जो मैं आपको दिखाई, ये जो आपको दिख रहा है, ये तोस गांव है भाई, ये तोस विलेज है। तो गाइस अभी हम मणिकरण घूम लिया, अभी मणिकरण से हम बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो है कई लोगों से इंट्रोड्यूस करा, जैसे कि बाबा एक मिले थे, वो भी ऑल इंडिया ट्रेवल पे निकले हैं और 80% घूम चुके हैं। और ये है पार्वती नदी भाई, काफ़ी आवाज़ आ रही है, मतलब बहुत तेज़ बह रही है। और ये पूरा पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा है, जहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले ही बर्फ पड़ी थी और वही पिघलती है बर्फ के ऊपर, तो वही पानी भर गया। और अभी हम जा रहे हैं आगे, ये है भाई मणिकरण, देख लो सिटी मणिकरण। और ये पहाड़ आपको चारों तरफ से दिख रहे होंगे। तो अभी हम लोग मणिकरण से काफ़ी आगे आ गए हैं और भाई से मिले, जिनके यहाँ मैं रुका हूँ, निखिल भाई। और यहाँ पर आपका कॉटेज बन रहा है ना, तो इनका कॉटेज बन रहा है और अभी हम लोग नीचे का व्यू दिखाता हूँ और आपको, और दिखाता हूँ पहाड़ों में कैसे बनाते हैं लोग भाई। ये मतलब हम लोग के लिए तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो, इधर ये पार्वती नदी, इधर खाई है और यहाँ पर ये लोग बना रहे हैं। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं तो मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। और ये देखो, ये पार्वती नदी है भाई, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता होगा पहाड़ों के अंदर भाई, इधर खुदाई करो, बनाओ। दिखाता हूँ आगे का सीन, देखो आप, ये देखो एक कॉटेज यहाँ पर बनाना काफ़ी मेहनत स्टार्टिंग में लगती है, बनने के बाद लगता है कि भाई हाँ चलो बन गया, अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है। देखिए यहाँ पर सारे बस पत्थर ही आपको दिख रहे होंगे, ये खुदाई के बाद अभी इधर खुदाई करेंगे लोग, निकलेगा इधर। देखिए यहाँ पिलर डालना है, पिलर डालने के लिए नहीं है, यहाँ पर पिलर ये ढलाई होगी और उसके लिए खुदाई कर रहे हैं लोग, लेकिन पत्थर इतने ज़्यादा है कि क्या बताएं आपको। और आगे आगे दिखाता हूँ आपको, इधर भी देखो ये पिलर डालने के लिए बनाया गया है। और ये काफ़ी भाई इधर खाई वगैरह नीचे ही है, अच्छा नीचे से है क्या, यहाँ से किचन, और ये किचन बन रहा है पीछे की साइड, ये देख लो आप, ये किचन का भी, हाँ इसके ऊपर कैफे बनेगा इसके ऊपर। और यहाँ से व्यू भाई काफ़ी अच्छा रहेगा, कैफे बन जाएगा, तो हम यहाँ पर जरूर आएंगे भाई से मिलने, निखिल भाई से, अभी हम इनके साथ ही हैं। और ये देखो यहाँ से व्यू है, चारों तरफ का व्यू देख लो, ये देख लो गाइस, चारों तरफ से व्यू। और यहाँ पर ये बन रहा है कॉटेज, कितना इसमें रूम वगैरह कितना रहेगा, कैसे 8 कमरे बना रहे, 8 कमरे रहेंगे एंड ये किचन वगैरह सब कुछ रहेगा। गाइज ये काफ़ी चैलेंजिंग होता होगा यार, ये पहाड़ों के अंदर घर बनाओ, कॉटेज बनाओ या कोई भी चीज़ बनाओ। और ऊपर ये ऊपर रोड है और काफ़ी नीचे, और ये रोड भी काफ़ी, मतलब यहाँ से अगर खुदाई होती है तो बस पत्थर निकलता है, पत्थर, और वो भी इतने बड़े बड़े भाई, इससे भी बड़े बड़े निकल, इससे बड़े बड़े रहते हैं पत्थर ना, तो जेसीबी ने तोड़े हैं, जेसीबी तोड़ा है वो भाई, ये पत्थर, अच्छा तो ये जो पत्थर आप देख रहे हो, इतने बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, और ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे हैं, तो जेसीबी आई थी नीचे और जेसीबी ने तोड़ा है और खुदाई वगैरह की है। तो अभी तो फिर एक बार जेसीबी बुलाना होगा ना इसको हटाने के लिए, या फिर नीचे यहाँ से गिरा दोगे आप लोग पत्थर को, अच्छा साइड में, अच्छा कॉटेज इधर बनेगा, कॉटेज इधर बनेगा, कैफे उधर बनेगा, अच्छा कैफे उधर रहेगा एंड कॉटेज इधर रहेगा, स्विमिंग पूल, गाइस पूरा इसमें व्यवस्था रहेगा भाई, स्विमिंग पूल भी आपको मिलेगा देखने को, जब बन जाएगा तो हम आएंगे जरूर यहाँ पर एक बार, और हिमाचल में आएंगे क्योंकि यहाँ से व्यू भी काफी अच्छा है। छाव में आ गए अब, ये देखो भाई व्यू, ये नज़ारे देखो, और ये देखो ये जो चोटी दिख रही है इधर, देखो भाई बर्फ पड़ी हुई है ये इधर चोटी पे, मैं दिखाता हूँ एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये देखो ये साइड फ्रंट कैमरा से नहीं दिखेगा, हाँ मैं अभी दिखाता हूँ आपको अपने बैक कैमरे से। तो ये जो आप देख रहे हो भाई, ये है बर्फ पड़ी हुई है पहाड़ों के ऊपर, ये देखो काफ़ी दूर है, मैंने जूम किया है, दैट्स व्हाई ऐसे आपको दिख रहा होगा। ये देखो ये जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है, और यहाँ का व्यू देखो नज़ारा, और यहाँ पर कॉटेज बन रहा है निखिल भाई का, ये आगे आगे कॉटेज बन रहा है, जैसे ही बन के रेडी होगा फिर आएंगे यहाँ पर घूमने
तो अभी हम लोग जहाँ पर ये डैम है भाई, पार्वती नदी का, ये जो पार्वती नदी आपको दिख रही है ये उसका डैम है। मैं दूसरे साइड में जाऊँगा तो वहाँ से आपको व्यू दिखा दूँगा डैम का। अभी हम लोग फिलहाल डैम के ऊपर है और यहाँ पर कार एकदम दिखाई दी है, तो यहाँ पर नो फोटोग्राफी एंड लिखा है डोंट स्टैंड हियर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तोस विलेज के साइड में, जो ये रूट जाता है, ये रूट आप जैसे कसोल से मणिकरण होते हुए आएंगे काफ़ी आगे, तो ये आपको आगे तोस गांव मिलेगा। और ये जो डैम है बना है हमारे पीछे है ये डैम, और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। आगे का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ नज़ारा, ये खीरगंगा का लिखा है, देखो गाइस यहाँ पर लिखा है खीरगंगा का, ये जो रूट है खीरगंगा का यही है। हाँ, ये जिस रूट पर अभी हम जा रहे हैं यही खीरगंगा का ट्रेक है भाई, ये ट्रेक सामने है। तो वो तोस गांव जो आपको दिख रहा होगा ऊपर, वो तोस गांव है, तोस विलेज। और ये देखो नदी, पार्वती नदी दो साइड से, वो रुक जाइए एक रुक से। तो गाइज ये देखो जो मैं आपको दिखाई, ये जो आपको दिख रहा है ये तोस गांव है भाई, ये तोस विलेज है। और यहाँ पर ये पार्वती नदी है, और मैंने आगे आपको डैम दिखाया था, और मैं डैम अभी आपको एक बार और दिखाऊँगा। और अगर हम चाहें तो वहाँ से वो साइड से देखिए वो पॉइंट से नीचे जाते हैं, ये पुल को भी क्रॉस कर सकते हैं पार्वती नदी के आसपास। कहते हैं लोग कि काफ़ी गहरी है नदी है पार्वती नदी, अब पता नहीं भाई। और आगे जिस रूट से हम आ रहे थे उधर जो है पार्वती नदी में ही एक बस गिर गई थी और आज तक मिली नहीं, और 11 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये सारी स्टोरी है, और अच्छा है भाई सारी सीन ठीक है, ठीक ठाक। ये पहाड़ है और ऊपर वो जो आप पहाड़ों में देख रहे हो ना, इधर पूरा बर्फ पड़ी हुई है, ग्लेशियर एक है वो साइड में पूरा है भाई। और खीरगंगा का ट्रैक भी लोग इधर से ही शुरू कर देते हैं, यहाँ से नीचे जाके इससे से ट्रैक शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से खीरगंगा आई थिंक 10 से 12 किलोमीटर के आसपास होगा, और ग्लेशियर मैं आपको दिखा नहीं पाया, ग्लेशियर भी आपको दिखा दूंगा।